नमस्कार, आप देख रहे नादी टीवी और मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए वार्ड के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 85 वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई। समन्वय भवन में लॉटरी की मदद से कलेक्टर, निगम कमिश्नर और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हुई। नियमानुसार प्रक्रिया के बाद एससी वर्ग के 12 वार्ड आरक्षित किए गए, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिला वार्ड शामिल हैं। एसटी वर्ग के लिए 2 वार्ड आरक्षित किए गए, जिसमें 1 महिला और 1 पुरुष वार्ड है, तो वहीं ओबीसी के लिए 21 वार्ड आरक्षित किए गए हैं, जिसमें 10 पुरुष और 11 महिलाओं के लिए वार्ड आरक्षित हो गए हैं। इसके साथ ही 50 वार्ड अनारक्षित वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिसमें से 24 वार्ड महिलाओं के लिए और 26 वार्ड पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं।